सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर प्रिंस सैनी के चैनल को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रिंस सैनी फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मेप्टॉल स्पास इंजेक्शन के बारे में, और दोस्तों ये जानने वाले हैं कि मेप्टॉल स्पास इंजेक्शन का यूज़ क्या होता है, इसके मार्केट प्राइस क्या होते हैं और इसका कंपोजिशन क्या होता है और इसके साइड इफेक्ट वगैरह क्या होते हैं। सो गाइस, टाइम वेस्ट न करते हुए जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों जानकारी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे नॉलेजबल वीडियो मैं अक्सर लेके आता रहता हूँ। दोस्तों मेप्टॉल स्पास इंजेक्शन की बात की जाए तो इसका जो कंपोजिशन होता है वो डिसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है और मेपनॉमिक एसिड होता है। और दोस्तों इसके यूज की बात की जाए तो यह एक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी स्पास्मोडिक ड्रग है। इसका यूज जब हमारे एब्डोमेन में पेन होता है, जब हमारे पेट में गैसोस प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारे एब्डोमेन में पेन होता है, या फिर जब हमारे पेट में अल्सरेटिव प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि कुछ पेशेंट को जो है उनके स्टोमच में अल्सर वगैरह हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में उनको एब्डोमेन में पेन होता है। और महिलाओं की बात की जाए तो जब प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं में एब्डोमेन में पेन बना रहता है। और दोस्तों फीमेल की बात की जाए तो यदि उनको मानसिक धर्म के दौरान उनके एब्डोमेन में पेन होता है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि दोस्तों कुछ लोगों में आर्थराइटिक पेन होता है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। दोस्तों इसके मार्केट प्राइस की बात की जाए तो यह मार्केट में 5 रुपये में अवेलेबल होता है, और इस इंजेक्शन का यूज जो है वो इंट्रामस्कुलर के रूप में किया जाता है। और दोस्तों इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की बात की जाए तो जैसे कि कुछ लोगों में नौजिया वोमिटिंग महसूस होना, उनको हेडेक महसूस होना या फिर उनमें गैसोस प्रॉब्लम होने लगना, ये जो है इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बट दोस्तों बताना चाहूँगा कि इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं। और दोस्तों कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि क्या गर्भवती महिलाएं इस इंजेक्शन का यूज कर सकती हैं, तो बताना चाहूँगा कि इस इंजेक्शन को यूज़ में लिया जा सकता है, बट अपने डॉक्टर के देख रेख में ही लिया जा सकता है। दोस्तों कुछ लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि क्या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसका यूज करना चाहिए, तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि इस इंजेक्शन का यूज जो है सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए या फिर डॉक्टर के देख रेख में ही करना चाहिए। सो गाइस, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे नॉलेजबल वीडियो मैं अक्सर लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलता हूँ मैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।